नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है फिंगर सेटिंग और फिंगर फलेंजेस। ये दोनों चीज़ें हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करती हैं। ये उत्तरदायी होती हैं वास्तव में हमारे स्वभाव के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए, पर्सनैलिटी के लिए। उंगलियों की सेटिंग, उंगलियों के फैलेंजेस, वो इशारा करते हैं कि जातक किस तरह का व्यक्ति है। आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, पहले बात करते हैं फिंगर सेटिंग की। ये फिंगर सेटिंग से मतलब क्या है? देखिए, हमारी उंगलियां जब फिंगर पाम से जुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं फिंगर सेटिंग। जब जुड़ती हैं तो उनसे एक फॉर्मेशन बनती है और वह फॉर्मेशन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। देखिए, पहले फिंगर सेटिंग, जो पहली सेटिंग बनती है वो बनती है इस तरह से। मान लीजिए ये ऐसे 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 ये बना, कुछ मेहराब नुमा आर्च शेप्ड सेटिंग। ये दिखाती है कि जातक ना बहुत समझदार है, ना उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मेहनती, जो भी मौका उसे मिलता है उसे लपकता है, मेहनत करता है और बुद्धि का तेज होगा ही, सफलता उसे जरूर मिलती है। दिमाग प्लस हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। तो ऐसा जातक जहाँ फिंगर्स आर्च शेप्ड हो जाए, वो सेटिंग बनाए जैसे कोई मेहराब बनी हो, तो जातक को सफलता मिलती है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत मेहनती होता है। आगे देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी ये इंडेक्स फिंगर, ये सैटर्न फिंगर, ये अपोलो फिंगर, ये तो तीनों एक जैसे कर्व में होती हैं, मतलब थोड़ा सा मेहराब बनाती हैं, और जो लिटिल फिंगर है ये थोड़ा सा लो सेट हो जाती है। तो अब दोनों गुणा गए, यहाँ से समझदारी और यहाँ से लिटिल फिंगर आपकी लो ड्रॉप सेट, दर्शाती है कि जातक ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत पापड़ पेले हैं और उसने ज़िंदगी में बड़ा ऊंच नीच देखा होगा, बड़ा उतार चढ़ाव देखे होंगे। और ऐसे जातक को ना जिंदगी ने बड़े कड़वे अनुभवों से जिंदगी के पाठ सिखाए होंगे और कई बार तो ऐसे जातक को लगा होगा कि जिंदगी बहुत लंबे समय तक शानदार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन अचानक वह अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाता है और उसे लगता है सब कुछ खत्म, बर्बाद, अब कोई आशा नहीं। उसे लगता है अब जिंदगी शुरू से आरंभ करनी पड़ेगी, शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, और वह दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब हमारी लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो,
तो पक्का समझ लो कि जातक ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उस संघर्ष ने उसको निखारा है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमानी भी है, साथ में एक्सपीरियंस जुड़ गया, काय का एक्सपीरियंस, संघर्ष का। आग में जलकर वो कुंदन बन गया है, सोना बन गया है, किसी काम को हाथ में लेगा तो छोड़ेगा नहीं, पूरा करके ही मानेगा। तो ऐसे जातक जिनकी पहले तीनों उंगलियां आर शेप्ड हो और लिटिल फिंगर लो ड्रॉप्ड हो, तो ऐसा व्यक्ति समझदार तो होता ही है, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी के कड़वे अनुभव से उसने बहुत कुछ सीखा होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी मौका मिलेगा लपकेगा और अपना पूरा अनुभव, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता लगा देगा और कामयाब हो जाएगा। ये दूसरी सेटिंग हुई। एक तीसरी सेटिंग बनती है, मान लीजिए कि ये लिटिल फिंगर थोड़ी लॉ ड्रॉप्ड हो, ये जुपिटर फिंगर थोड़ी लॉ ड्रॉप्ड हो, और जो मिडिल फिंगर्स हैं अपोलो फिंगर और सैटर्न फिंगर, ये थोड़ा ए बिट हाई सेट हो यहाँ पर। अब जो सेटिंग बनी वो ऐसे बनी, कुछ इस तरह की। इस सेटिंग को बोलते हैं टेंट शेप्ड। ऐसा जातक बड़ा ही परेशान रहता है, डिलेमा में, क्या करूं क्या नहीं करूं, उसे अपनी योग्यताओं पर भरोसा ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए उसे डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और जब डिसीजन लेता है तो अक्सर उसके डिसीजन बड़े ही घातक सिद्ध होते हैं, बड़े ही फैटल सिद्ध होते हैं, और बाद में उसे पछतावा होता है, काश मैंने सही समय पर सही निर्णय ले लिया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। तो एक तरह की एक सेंस ऑफ रिग्रेशन, पछतावे की भावना उसके अंदर बनी रहती है। ये अशुभ, पहली दो शुभ थी, लेकिन ये टेंट शेप्ड अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जातक ना इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, उसे अपने पर भरोसा नहीं, इसलिए वह उचित समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाता और बाद में उसे भुगतान करना पड़ता है। तो ये अच्छी नहीं। एक और सेटिंग बनती है, चौथी सेटिंग, बहुत रेयर है लेकिन बनती है, जब ये सारी उंगलियां एक सीध में हाथेली से जुड़ी हुई हों। अब ये हुई स्ट्रेट सेटिंग, सारी उंगलियां हाथेली से बिल्कुल एक लाइन से जुड़ी हों, कोई ऊपर नीचे नहीं। ये फॉर्मेशन बड़े ही दुर्लभ, लेकिन जब जिस आदमी के हाथ में होती है तो वह फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल आत्मबल से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर। लेकिन जब लिटिल फिंगर थोड़ा ऊपर चली जाए और इस अपोलो के बराबर हो जाए, तो जातक ना तब बहुत एरोगेंट हो सकता है। पहले वह बहादुर है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन अब ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, एरोगेंट भी हो सकता है, रूथलेसली एम्बिशियस भी हो सकता है, और ये सब होना उसके लिए बहुत घातक साबित भी हो सकता है,
यह अच्छा है कि उसके पास एक विशेष गुण है कि वो आत्मविश्वास से भरपूर है। लेकिन जब छोटी उंगली लंबी हो जाए, अपोलो के बराबर पहुंच जाए, तब तो आदमी एरोगेंट हो सकता है। एरोगेंट हुआ तो साथ में रूथलेसली एम्बिशियस हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस आया, अब मामला गड़बड़। तो इसको एक बहुत शुभ नहीं मानते। लेकिन जो पहली दो हैं, जो आर्च शेप्ड है या लो ड्रॉप्ड लिटिल फिंगर, और साथ में सैटर्न, अपोलो और जुपिटर, वो बनाती हैं आर्च, वो भी अच्छी होती है। तीसरी वाली टेंट शेप्ड शुभ नहीं, और स्ट्रेट भी शुभ नहीं। हाँ, काबिल आदमी होता है, लेकिन एरोगेंट होने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो अक्सर गलती कर बैठता है। और जितनी उसे सफलता की उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेड, उतनी नहीं मिल पाती। उसे अपने ओवर कॉन्फिडेंस को ना बड़ी बुरी तरह से पे करना पड़ता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और उसका पतन शुरू। एरोगेंस हुआ, उंगली लंबी हुई तो रूथलेस एम्बिशियस हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, सब बेड़ा गर्क। तो ये चार सेटिंग है, फिंगर सेटिंग, ये आदमी के व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा फलेंजेस। हम फलेंज की बात करेंगे। देखिए, ये हमारी उंगलियां, अगर सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी हों, एक दूसरे की तरफ ना मुड़ी हों, कोई बेंडिंग नहीं, तो जातक बहुत गुणी होता है, धनी होता है, सौभाग्यशाली होता है, परोपकारी होता है, मतलब बहुत ही शुभ, अगर सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर है तो जातक परम सौभाग्यशाली, परम गुणी, विनम्र स्वभाव और धनी। तो कुल मिलाकर जातक बहुत ही अच्छा, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला इंसान होगा। अब बात करते हैं, चलो, फलेंजेस की। जो ये उंगली के तीन फलेंज होते हैं, ये टॉप फलेंज, ये मिड फलेंज और ये बेस फलेंज, यहां पर हम लोग ना सबसे पहले पर्व से देखते हैं, किसी भी उंगली के जो पहला पर्व है उसे देखते हैं हम लोग आदमी की बौद्धिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी। दूसरे पर्व से देखते हैं आदमी की हम लोग प्रोफेशनल एबिलिटी, कि उसके अंदर व्यावसायिक कुशलता कैसी है, कितनी है। और तीसरा वाला, वहां से देखते हैं हम लोग उसकी सांसारिक कुशलता, कि आम जिंदगी में, इस वर्ल्डली दुनिया में उसने क्या खोया, क्या पाया, मतलब संसार में उसका प्रभाव क्या है, उसकी हैसियत क्या है, कैसा व्यक्ति है वो समाज में। तो यहां से देखा हमने मेंटल एबिलिटी, यहां से देखी प्रोफेशनल एबिलिटी, और यहां से देखी उसकी वर्ल्डली एबिलिटीज, कि वो व्यवहार में कितना कुशल है, सांसारिक व्यवहार में। अब बात फलेंज की चली पड़ी है, तो बात करते हैं कि पर्व
छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है? क्योंकि जो पर्वों का छोटा बड़ा होना होता है वह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होता है, एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो मान लीजिए आपकी छोटी उंगली ये 10 सेंटीमीटर की है, कितना 10 सेंटीमीटर, तो उसका पांचवा भाग मतलब तकरीबन 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यह है उसका पहला पर्व जो वास्तव में होना चाहिए, होता नहीं। यहां पर ये बिल्कुल ठीक, कोई भी उंगली है जो पहला पर्व है वो उंगली की कुल लंबाई का पांचवा भाग होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी उंगली 10 सेंटीमीटर की है तो जो ऊपर वाला टॉप फैलेंज है वो 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब बीच वाला फैलेंज ये 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, जो बीच वाला है वो तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर यहां तक ले लीजिए, और जो हमारा नीचे वाला है वो तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का। मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला पर्व है वो बड़ा होगा, मध्य वाला उससे छोटा और टॉप वाला सबसे छोटा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी उंगली में मध्य पर बहुत बड़ा होता है, किसी उंगली में टॉप फैलेंज सबसे बड़ा होता है, किसी उंगली में जो बेस फैलेंज है वो बड़ा हो जाता है। तो ये सब इशारा करते हैं हमारी किसी खास खासियत के बारे में, एबिलिटी के बारे में, कि आदमी का जातक का स्वभाव कैसा है। अगर यहाँ पर टॉप की सारे फैलेंज जितने भी हैं ये लंबे हैं तो आदमी का बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, सुपर। अगर मिडिल फैलेंज सारे बड़े हैं तो इसका मतलब है कि जातक में व्यावसायिक कुशलता बहुत शानदार। अगर तीसरे पर्व सारे अच्छे हैं तो इंसान सांसारिक रूप से, सांसारिक व्यवहार से बड़ा ही कुशल होगा, शानदार व्यक्ति होगा। तो हमने आज कुछ फिंगर्स की बात की, सेटिंग के बारे में, थोड़ा फैलेंज के बारे में, और ये कुछ योग हैं, कुछ संयोग हैं, कुछ फॉर्मेशंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में एक बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।